हर हर महादेव। हमारे एक शास्त्री जी हैं, वो पूछते रहते हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि गृहस्थों को घर में किसका पूजन करना चाहिए, घर में किस देवता का पूजन करना चाहिए समस्त गृहस्थों को, और क्या घर में आजकल लोग चित्रपट रख लेते हैं। हमने सुना है कि घर में बहुत बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, तो चित्रपट तो छोटे रखते ही नहीं है, बड़े बड़े चित्रपट लगाने का शौक है और रखते भी हैं और बड़ी भावना से भी लोग पूजा करते हैं, तो क्या बड़े चित्रपटों को घर में रखना चाहिए, ये प्रश्न है। देखिएगा, सार्वजनीन है। पहली बात, गृहस्थों को किनका पूजन करना चाहिए, तो जगत गुरु भगवान श्री आद्य शंकराचार्य प्रभुपाद ने पंचदेवों का पूजन सभी के लिए बतलाया है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले अपने अपने अधिकार पूर्वक और उनका पूजन कर सकते हैं, करना चाहिए। देखिए, इस बात को श्री मत्स्य पुराण में भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि आदित्यम गणनाथंच देवीम रुद्रंच केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजये। वैसे भी आपके घर में कोई उत्सव है, आपके यहाँ कोई संस्कार है, तज्जनित पूजन कर रहे हैं, या नैमित्तिक कोई कार्य है, कोई है ना पर्व त्योहार उत्सव है, अथवा कोई यज्ञ आदि कर रहे हैं, सर्व कर्मसु उन सभी कर्मों में पंचदेवों का पूजन आवश्यक है, नित्य भी और किसी उत्सव आदि में भी, नैमित्तिक कर्मों में भी, तो नित्य कर्म में, नैमित्तिक कर्म में और किसी भी काम्य कर्म में भी आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, तो जैसे सभी देवताओं का पूजन करते तो गणपति का तो करना ही पड़ेगा, आप किसी का भी पूजन करें, गौरी गणेश का तो सर्वप्रथम पूजन होता है, इसी दृष्टि से नवग्रहों का भी स्मरण पूजन होता है, तो उसमें पंचदेवों का भी पूजन होना ही चाहिए। समस्त सदग्रस्तों के यहाँ तो अवश्यम भावी है, अवश्य ही इसका पूजन करना चाहिए, इन महादेवताओं का पूजन करना चाहिए। आदित्यम जिसमें कौन है, भगवान भास्कर सूर्य, गणनाथम यानी गणपति, देवीम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती स्वरूपा दुर्गा, दुर्गा देवी जगदम्बा कात्यायनी भगवती देवी का पूजन, और केशवम माने जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान महाविष्णु श्री कृष्ण श्री राम इनका भी पूजन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पंचदेव हैं, इन पंचदेवों का पूजन होना चाहिए। तो पंचायतन इनको कहते हैं, पंचायतन पूजन करना चाहिए। तो कहते हैं कि भैया हमारा तो, हमारे इष्ट तो भगवान विष्णु हैं, कोई कहते हैं हमारी दुर्गा हैं, हमारे शिव हैं, हम तो उनका ही पूजन करेंगे, हमें इतने देवताओं का पूजन क्या करना, हम तो अनन्य हैं, है ना, हम तो अनन्य हैं, हम तो एक का ही पूजन करेंगे, सबका पूजन हमें नहीं करना है। तो मना किया गया है कि गृहस्थों को एक ही देवता का पूजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं करना चाहिए, हमारा वचन नहीं है, शास्त्र में कहा गया है कि एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान वाप्नुयात्। गृहिणा माने गृही के द्वारा, गृहस्थ के द्वारा एका मूर्ति न संपूज्या, किसी भी देवता की एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी अपनी भूति विभूति इष्ट सिद्धि चाहता है उसको तो क्या करना चाहिए, अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान अपने आप, अनेक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, रामनवमी है तो राम जी की पूजा करिए, नव दुर्गा है तो दुर्गाओं की पूजा करिए, दीपावली में भगवती लक्ष्मी का पूजन करिए, शिवरात्रि में शिव का पूजन करिए, ये तो नैमित्तिक है, और नित्य भी पंचदैव मित्युक्तम सर्व कर्मसु पूजये, पंच देवताओं का पूजा नित्य ही करनी चाहिए। हाँ, जो आपके इष्ट हैं उनको मध्य में रखिए, औरों को विधान से रखिएगा,
जैसे आप शिव पूजन करते हैं, शिव जी आपके इष्ट हैं तो शिव जी को मध्य में रख लीजिएगा, नैऋत्य कोण में भगवान गणपति को और वायव्य में भगवती दुर्गा को और ईशान कोण में भगवान विष्णु को और अग्नि कोण में भगवान सूर्य को रख करके पूजन कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि विष्णु आप वैष्णव हैं, विष्णु आपके मुख्य हैं तो बीच में विष्णु आप रख सकते हैं, बीच में जो है दुर्गा जी रख सकते हैं, शाक्त लोग गणपति लोग बीच में गणपति को रख सकते हैं और सौरी लोग जो है बीच में भगवान सूर्य को रख सकते हैं। इस तरीके से जो है पूजन करना चाहिए। तो किसी एक देवता का पूजन करना गृहस्थ के लिए श्रेयस्कर नहीं है, पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब हम अनन्य नहीं रहे। क्या कहते तुलसीदास जी, सो अनन्य जाके अस मतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वही है, कौन है अनन्य? सो अनन्य जाके अस मतिन टरे हनुमंत, हे हनुमंत जिसके ऐसी मति नहीं टरती है वही अनन्य है। वो मति क्या है कि मैं सेवक, मैं तो सेवक हूं और चराचर रूप स्वामी भगवंत, जो चराचर समस्त जगत के रूप में जो भी विहरण कर रहे हैं, जो भी दृष्ट जगत प्रपंच है वो सब कुछ हमारे इष्ट देव ही हैं। सिया राम मैं सब जग जान, समस्त जगत निज प्रभुमय है तो फिर विरोध किससे? निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध, फिर विरोध ही नहीं है। अगर आप अपने इष्ट देवता को एक देशीय मानना है कि वो एक स्थानीय मानना है कि बस वो ही विष्णु है और तो सब और देवता हैं, तो इसका मतलब आपके विष्णु आप समझ नहीं पा रहे हैं। व्याकरण से विष्णु शब्द किससे बनता? विश्लेष व्याप्त धातु से बनता, वो सर्वव्यापक है, सब में है। तो अर्थात वही विष्णु शिव है, वो ही गणपति है, वो ही जो है भगवती है और वो ही सूर्य है और भी इनको तो ये तो है ही। चराचर जगत में जो भी कुछ दृश्यमान प्रपंच है सर्वम विष्णुमयं जगत, सर्वम देवीमयं जगत, मार्कंडेय पुराण में समस्त देवीमय जगत है। तो जो भी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री महाराज जी का यही कहना है कि जो आपके इष्ट हैं वो ही समस्त जगत चराचर में दृष्टमान हो रहे हैं, वो ही दृश्य हैं, परंतु उन्हीं को वैष्णव लोग विष्णु कहते हैं, शैव लोग उसी तत्व को शिव कहते हैं, गणपति लोग उसी तत्व को गणपति कहते हैं और सौरी लोग उसी को सूर्य कहते हैं। माना कि राम भक्त उनको राम कहते हैं, कृष्ण भक्त उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, वो एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और हमारे इष्ट ही समस्त रूपों में व्यक्त हो रहे हैं, तभी तो कहा जाता अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रव विष्णवे। इसी तरीके से भगवान शिव तो जो है चराचर जो है शिवमय है, शिव से अलग कुछ भी नहीं है, समस्त जीवों के अंतर्गत भगवान शिव ही विराजमान है, ये भी सभी शास्त्रों में कहा गया है। तो किसी भी देवता की निंदा न करते हुए सभी को अपने इष्ट के रूप में देखते हुए और पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। अब एक बात पंडित जी ने और पूछी थी कि भाई घर में बड़े बड़े चित्रपट रखते हैं, वो रख सकते हैं क्या? तो हाँ रख सकते हैं, उनमें कोई भी ऐसा दोष नहीं है। एक जयाख्य संहिता है उसके 20वें अध्याय में और 8वां श्लोक का ये वचन है, देखिए इसमें कहा गया है कि हस्ताधिके पिचकृते चित्र बिंबे गृहस्थिते न दोष साधकानांतु दार मृच्छैल वर्जिता। कह रहे हैं हस्ताधिकेपि चक्रते, हस्त अधिकेपि चक्रते, अभी तो बता रहे थे कि एक अंगुल से लेकर घर में एक अंगुल से लेकर के एक वितस्ती पर्यंत मूर्तियों को रखना चाहिए, परंतु ये नियम जो है धातुमयी मूर्ति के लिए है और ये जो है चित्रपट है उनके लिए कह रहे हैं हस्ताधिकेपि चक्रते चित्र बिंबे गृहस्थिते, घर में स्थित होने वाले चित्रपट आदि, घर में हाँ एक हाथ से बड़े भी चित्रपटों को रखा जा सकता है, वो मान्य है। न दोषा साधकानाम, उसमें साधकों को कोई भी दोष नहीं है, परंतु दार मृत छैल जैर बिना, दारू
माँ लकड़ी की मूर्ति को बड़ा बड़ी नहीं रखें, लकड़ी की तो घर में मनाही किया गया है, वो रखना ही नहीं है। मृत मिट्टी की मूर्ति को भी बड़ा या घर में नहीं रखना है। और शैल जयी ही यानी पाषाण की मूर्ति को भी बड़ा या वैसे घर में नहीं रखना चाहिए, पाषाण की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। और भी जो बात है हमारी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं, घर में कैसी मूर्ति को रखना चाहिए, कितनी बड़ी को रखना चाहिए, और कौन सी मूर्ति को रख सकते हैं, कौन सी को नहीं रख सकते हैं, कितनी प्रकार की मूर्ति होती हैं, और घर में चल प्रतिष्ठा हो या अचल प्रतिष्ठा हो, इससे संबंधित अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं। हर हर महादेव।